हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का फिफ्थ पार्ट, जो कि है द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो आज हम देखेंगे कि फ्रांस में स्लेवरी जो है वो अबॉलिश कैसे हुई। सो द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल फॉर्म्स ऑफ जैकोबिन रिजाइम वॉज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स में जो थे ना, तो जैकोबिन रिजाइम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जिनको रखा गया था, उसमें जो उनका कार्य था कि उनको स्लेवरी को ख़त्म करना है फ्रेंच कॉलोनीज में। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गाउडेल्यूप एंड सैन डोमिंगो वेर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। तो जो ये सारी जो कॉलोनीज़ हैं ना, ये सब एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे टबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी के, मीन फूड के लिए जो नेसेसरी फूड थे। बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड मीन द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस। लेकिन जो रिलक्टेंस है ना यूरोपियंस के वो बाहर जाए और वर्क करे डिस्टेंस में और अनफेमिलियर लैंड्स पे, तो वहाँ शॉर्टेज होती है लेबर की प्लांटेशंस में। सो दिस वॉज मेड बाई ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन। तो ये जो काम होता था ये ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड के द्वारा होता था, तो उसमें यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन थे। तो कौन से थ्री कंट्रीज थे? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन। तो ये लोग ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड करते थे। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। तो ये 17th सेंचुरी में बिगिन हुआ था, ठीक है। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डियक्स और नेट्स टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफटेन्स। तो फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे ना, वो उनको सेल किया जाता था पोर्ट्स पे, जैसे ये बोर्डियक्स और नेट्स पे अफ्रीकन कोस्ट की तरफ, और वहाँ के वो स्लेव्स होते थे लोकल चीफटेन्स के। Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3 month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. So, उसको अच्छे से पैक किया जाता था, स्लेव्स को ships में डाला जाता था 3 महीने के voyage across the Atlantic and Caribbean के द्वारा। They were sold to plantation owner, और वहाँ पर उनको plantation owners को sell किया जाता था। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. तो इन slaves को exploit करने के कारण से ही जो growing demand है European में वो possible हो पाई, जैसे कि sugar, coffee और indigo की। Ports like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. तो वो अपनी एक economic prosperity को gain करके रखा हुआ है, उनको own करके रखा हुआ है flourishing slave trade के द्वारा। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. So, through 18th century में थोड़ा सा criticism चल रहा था slavery का France में। The National Assembly held long debates about whether the right of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies. So, अब ये चल रहा था कि सबके rights को equal रखना चाहिए French subjects में, इन सारी colonies को include करके। But it did not pass any law fearing opposition from businessmen whose incomes depends on the slave trade. तो फिर भी उन्होंने कोई पास नहीं किया लॉ, क्योंकि उन्हें डर था कि जो बिजनेसमैन है जिनसे वो इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं उस स्लेव ट्रेड से, वो गुस्सा हो जाएंगे। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज प्रोसेशंस। तो सिर्फ ये डायरेक्टली 1794 पे लॉ आया जिससे कि स्लेव सारे फ्री हो गए। दिस हावर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। ये बस थोड़े शॉर्ट टाइम का ही था, 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन न्योग्रियोस इन परस्यूट ऑफ देयर इनकम इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे उनको परस्यू किया गया। Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. तो ये directly कब abolish हुआ? 1848 में।
रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो अब हम रोज़ के रेवोल्यूशन के समय के रोज़ के दिन देखेंगे। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज द स्पीक और द बुक दे रीड? तो वो क्या पॉलिटिक्स चेंज कर सकते हैं उनके लैंग्वेज, कपड़े और बुक्स जो वो पढ़ते हैं? द फॉलोइंग द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो बहुत सारे चेंजेस हुए इसके कारण। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टूक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिसेस। तो इस पर इन्होंने बहुत सारे लॉ पास किए जिनसे कि उनकी लिबर्टी और इक्वालिटी एवरीडे लाइफ में चेंज होते रहे और आइडियल्स मिलते रहे। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कम इन टू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन द समर 1789 वॉज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आया था वो सेंसरशिप का अबॉलिशन का था। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज बुक्स न्यूज़पेपर प्लेस कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ किंग। तो सेंसरशिप यही होती है कि जब तक किंग अप्रूव ना करे तब तक वो न्यूज़ नहीं आ सकती, लेकिन अब उसको अबॉलिश कर दिया गया ताकि न्यूज़ आ सके। अब देखते हैं इंडिया की न्यूज़ हर जगह जाती है, जो न्यूज़ रिपोर्टर्स है वो कुछ भी कह सकते हैं जो भी चाहे उनके मन में, और गवर्नमेंट उन पे कोई रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन चाइना वगैरह ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये नहीं है। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस टू बी अ नेचुरल राइट। तो अब उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई और कहा गया कि एक नेचुरल राइट है। न्यूज़पेपर्स पैम्पलेट्स बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। जहाँ से रैपिडली ट्रैवल किए कंट्री साइड में। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस। उन सब ने डिस्क्राइब किया और डिस्कस किया इवेंट जो कि चेंज हो रहा है फ्रांस में। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन द अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। तो फ्रीडम जो थी प्रेस को, इसके कारण अपोजिंग व्यूज भी देखी जा सकती थी। ईच साइड सॉट टू बी कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। तो सारी जो साइड्स थी वो अपने आप को कन्विंस करती थी एक मीडियम से, प्रिंट के मीडियम से। प्लेस सॉन्ग्स फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। तो प्लेस सॉन्ग्स फेस्टिव प्रोसेशन तैयारियाँ वगैरह इन सब से कारण बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते थे। दिस वॉज वन वे दैट कुड ग्रैप एंड आइडेंटिफाई विद आइडिया सच एज लिबर्टी और जस्टिस that political philosopher wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. तो बस कुछ ही लोग उसको read कर सकते थे। तो अब हम देखेंगे इसका conclusion उसके बाद। In 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself emperor of France. तो 1804 में Napoleon Bonaparte ने अपने आप को king बना लिया France का। He set out to conquer neighboring European countries. तो उसने बहुत सारी neighboring European countries पे conquer करना चाहा। Disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. तो उन्होंने उसके kingdoms को nest किया और अपने family members को वहाँ पे बिठाया rule करने के लिए। Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. तो Napoleon ने अपने आप को एक modernizer समझा यूरोप का। He introduced laws such as protection of private property and uniform system of weights and measure provided by the decimal system. तो इसने बहुत सारे uniform system बनाए, weights और measure जो कि decimal system से provide की गई है। Initially, many saw Napoleon as a liberator who could bring freedom for all the people. बहुत सारे लोगों ने देखा कि Napoleon एक liberator है जो कि सबके लिए freedom ला सकता है। But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. तो लेकिन जल्दी ही नेपोलियन की जो आर्मी थी उसको एक इन्वेडिंग फोर्स के द्वारा सब जगह देखना शुरू कर दिया गया। He was finally defeated by Waterloo in 1815. तो उसको finally Waterloo ने defeat किया 1815 में। Many of his measures that carried the revolutionary ideals of liberty and modern law to other part of Europe had an impact on the people long after Napoleon's had left. तो इसके बहुत सारे आइडियाज़ लिबर्टी के, मॉडर्न लॉज के, इन सारे आइडियाज़ बहुत सारे
जगहों पे यूरोप में अभी भी इम्पैक्ट करते हैं, नेपोलियन जब छूट गया तब भी, मरने के बाद भी. द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो ये जो आइडियल्स थे लिबर्टी के, डेमोक्रेटिक राइट्स के, यही सबसे इम्पॉर्टेंट लेगेसी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के. दी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. तो ये स्प्रेड हुआ फ्रांस से रेस्ट ऑफ यूरोप में, पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी में. वेयर द फेडरल सिस्टम वॉज अबॉलिश, जहाँ पे फेडरल सिस्टम जो थे वो अबॉलिश किए गए थे. कॉलोनाइज पीपल रिवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इन देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सर्वेजन नेशन स्टेट. Tipu Sultan and Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France. तो इन लोगों ने response किया था हमारे इंडिया में. तो इसके साथ हमारा chapter हो गया है ख़त्म. तो कैसा लगा आपको ये chapter? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे like कीजिएगा, मेरे channel को subscribe कीजिएगा और bell icon को press कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे new notifications मिलते रहे. अपने दोस्तों के बीच मेरे channel के बारे में share कीजिएगा और कहिएगा कि मैं क्लास 9 से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.